संबंध में अक्सर कुछ लोगों का प्यार जहां शादी के परवान तक चढ़ता है तो वही किसी किसी को शादी के नाम पर धोखा मिलता है। ऐसा ही एक मामला सदर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां प्रेम संबंध में एक आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने युवती के साथ मारपीट कर तस्वीरें वायरल करने की उसे धमकी डाली, जिसके बाद पीड़ित युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस से मदद मांगी। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम अशोक तुरकर, उम्र 21 वर्ष है, जो कि तुमसर भंडारा का निवासी है, जबकि सदर थाना क्षेत्र के एक होटल में वो वेटर का काम करता है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान आरोपी की युवती से मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम संबंध बने, जहां शादी करने का झांसा देकर आरोपी महिला को सदर थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में ले जाता, जहां आरोपी युवती के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता। आरोपी के बार बार ऐसा करने पर शादी का सपना देख रही युवती ने शादी करने का दबाव बनाया और शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने गुस्से में आकर युवती के साथ मारपीट की और उसे तस्वीरें और उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस डर से महिला पुलिस के पास पहुंची। युवती द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर सदर पुलिस ने आरोपी अशोक तुरकर के खिलाफ IPC की धारा 366, 376, 376D, 354D, 323, 504 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4-12 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पोलीस स्टेशन सदर येथे अपराध क्रमांक 475/23 कलम 366, 376, 376(2)(n), 354(d), 323, 506 IPC सह कलम 4 आणि 12 पॉक्सो ऍक्ट नुसार एक गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी अथर्व अशोक तुरकर व 21 वर्षे राहणार सिहोरा तालुका तुमसर जिल्हा भंडारा हा असून, यातील जी पीडित फिर्यादी महिला आहे त्यांची सदर येथे 3 वर्षापूर्वी ओळख झाली होती। ओळखीचे रूपांतर नंतर प्रेमात झाले आणि ते नंतर पोलीस स्टेशन अजनी हद्दीमध्ये एकत्र राहावयास गेले। तिथे 1.5 वर्ष ते एकत्र लिव्हिनमध्ये राहिल्यानंतर काही कारणास्तव यातील आरोपी हा त्याच्या घरी निघून गेला आणि मग त्यांच्या संबंधामध्ये थोडासा ताटातूट झाली। नंतर सदरची मुलगी पोलीस स्टेशन अपरत नागपूर येथे जॉब करण्याकरता आली। मुलगी ही हॉटेलमध्ये एका सुप्रसिद्ध हॉटेलमध्ये काम करत होती आणि हा मुलगा आरोपीसुद्धा त्या हॉटेलमध्ये काम करायचा, तिथेच त्यांची ओळख झाली होती। ती मुलगी नंतर पोलीस स्टेशन मानकापूर हद्दी येथे राहाव्यास आली आणि आरोपीने तिथे जाऊन तिच्या घरी जाऊन तिच्यासोबत वादविवाद करून तिला मारहाण केली होती। त्याच्यामुळे सदर महिलेने मुलीने त्या आरोपीविरुद्ध पोलीस स्टेशन मानकापूर येथे तक्रार दाखल केली आहे, परंतु सदर गुन्ह्याची सुरुवात सदर पोलीस स्टेशन येथून झालेली असल्याने आम्ही त्या आरोपीविरुद्ध वरील कलमानुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। लवकरच यातील आरोपीस आम्ही अटक करून गुन्ह्याचा पुढील तपास API मेत्रे या करीत आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षांश सारी की रिपोर्ट।